ये देखो मेरा क्या हाल हो रहा मच्छरों के मारने, ये देख ले भाई देख ले, ये मच्छरों का हाल है बेटा। कोई नहीं आते पानी से लगाना, कोई नहीं आ रहा बाबू। रात को सही से नींद सोने नहीं पाया, मच्छर ऐसे काट रहा। सरो सिंह से कंप्लेंट की थी हाँ, सुनवाई हुई नहीं हुई, वो सफाई नहीं करवाते यहाँ। गेट के लिए बोला, गेट मिलने वाले के अपने पैसे से लगवा लो। में पानी भर जाता नालियों का, पानी ऊपर तक आया था तो वो पानी नाली के अंदर धो के जाना पड़ता पानी। वोट लेने के लिए तो परेश से आते, इतनी गंदगी दुनिया भर की, मच्छर गर्मी, इतनी बीमारी चल रही है, इतने मच्छर लगते रात को, मोर्टीन वगैरह सब कुछ लगा ले, नहीं जाते मच्छर। नमस्कार, मेरे वार्ड की हकीकत, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा के मयूर विहार फेस वन वार्ड के अंदर। और जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये त्रिलोकपुरी का इलाका है, और यहाँ पहले पूर्व जो निगम पार्षद थी वो भारतीय जनता पार्टी से थी, सरोज सिंह उनका नाम है। हालांकि अब परिसीमन के बाद जब इस इलाके को मयूर विहार फेस वन के अंदर दिया गया है, इलाके के अंदर लोगों से जानेंगे साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, और जो परेशानियां हैं उनकी समस्या है वो आखिर क्या है, और वो आगामी एमसीडी चुनाव में किसके साथ या किस दल को अपना मत देने वाले हैं। विजयपाल जी, इलाके में समस्या साफ सफाई को लेकर कैसी है, सही होती है साफ सफाई? भाई साहब, यहाँ पे तो सब सफाई सही चल रही है, अभी तक कभी कभी छुट्टी मार जाते हैं, बाकी तो चल रही है सब। अच्छा। साफ सफाई इसमें देखो, बुलाते हैं बोलते हैं तो सफाई नहीं हो रही, इसमें गंद इतना पड़ा हुआ है। अच्छा, इस वाले पार्क में हो रही है? इसमें तो हो रही है। अच्छा। इसमें हमने बोला भी था, वो कह रहे हैं जी हमारे भी इसमें नहीं है सफाई का, चाहे वो हमारे अंडर में नहीं है। इसमें क्या चीज़ है? इस वाले पार्क में सफाई बहुत कम होती है, इसमें नहीं होती ज्यादा सफाई, थोड़ा इसका ध्यान दीजिए। इस वाले पार्क इसमें तो होती रहती है सफाई, इसमें तो दो तीन चार कर्मचारी आते हैं और बेचारे सफाई करके जाते हैं यहाँ पर। ये पार्क में क्या समस्या आ रही सफाई को लेकर? इसमें भैया ना इसमें सफाई होती, कूड़ा भी जो कोई दुनिया चारों तरफ से फेंकते रहते हैं। मैं बोलती हूँ भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। एक गेट देख, गेट के पीछे भैया जो भी कोई आता उसमें पत्थर मारता, ईंट मारता, तोड़ कर फेंक दिया। गेट के पीछे मैंने कितनी कंप्लेंट करी, किसी ने गेट तक भी नहीं लगवाया। क्या वाले पार्क में? इस पार्क में देख ले, देखिए ना देख। अच्छा, ये जो गेट, ये जो गेट टूटा पड़ा, और लगाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बच्चा इसको तो कोई जॉइंट भी नहीं करवाना आया, पता हजारों बार गई हूँ। तो मैं आपने जो निगम पार्षद थी पहले सरोज सिंह, उनसे कंप्लेंट करी हो कभी इसकी? सरोज सिंह, ये जो क्या नाम उनके आदमी का, कुछ वो आदमी का तो नहीं पता, जो निगम पार्षद थी सरोज सिंह, कई बार गई हूँ भाई, कोई सुनवाई नहीं नहीं करी। एक और लड़का जो है केजरीवाल के जो बैठा हुआ, पता ना क्या रोहित महल हो रहे, बोला वो विधायक भी हो कोई भी हो भैया मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन इसके बारे में ना कितनी बार गई है, मेरे बच्चा कोई सुनाई नहीं करता मेरी। अच्छा, कूड़ा माता जी कौन फेंकता आसपास? कूड़ा एक उसते ये जब पत्ते झड़ते रहते हैं कुछ भैया, ये पत्ते काट काट का, केले काटे, ये काटे, ये काटे, सब इसी में भर देते हैं मेरे बच्चे। है या नहीं, जब हम रोटी डालेंगे, हड्डी डालेंगे तो चूहे कुत्ते यहीं आएंगे, ऐसी भैया जब इसमें हम रोटी फेंकेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, चावल फेंकेंगे, चूहे क्या है इसमें, तो घूंच आ रही पड़ी हैं और ढेर हो रही हैं निरी, वो तो हमारी गलती से हुआ ना, है या नहीं, तुम बताओ भाई। कूड़ा ये बच्चे खेलते हैं, वहाँ से कूड़ा था, वहाँ से कूड़ा था, सारे को इकट्ठा कर देते, ये पेड़ काटो काट कर वहाँ जमा कर रखा होगा, देखो बताइए। हम लोग अभी कोशिश कर रही हूँ, वो चूहा तो बाग नहीं बाज जा रहा है, देख ले ऊपर चढ़ के इतना बड़ा पेड़ के काट दी, पेड़ काट दिया के वजह से, गंदगी के वजह से ना, गंदगी के वजह से काम है। पीछे पार्क में था ये हाल हो रहा, पीछे पार्क में जाके देख क्या हाल हो रहा। इतने बढ़िया बढ़िया गेट लगा रखे हैं, अब क्या पूछे, छोटे छोटे पार्कों में, लेकिन इस पार्क का कोई गेट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सब पार्कों में झाड़ू लगती है, कोई बात नहीं, झाड़ू मैं लगाती हूँ, हाँ झाड़ू मैं लगाती हूँ, सब कुछ किसी से पूछ लग ली मैं, लेकिन कोई मत ये लगाती है झाड़ू, मैं यही घर है मेरा, यही घर है, हम लोग सामने सामने सफाई करती हूँ, फिर भी ये हाल कर रहे हैं, बच्चा लगा के खेत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, जुआ इतना मोटा मोटा, वो पकड़िया के तो एक ट्रक चढ़ेगी, एक ट्रक, एक ट्रक में चूहा आ जाएगा, हाँ इतना चूहा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी इधर ही रहता हूँ, गले मेरा।
अच्छा, जैसे अभी कूड़ा होता तो मच्छर इलाके में है या नहीं है? मच्छर तो बहुत है, मच्छर तो बहुत है जी, मच्छर तो बहुत है। रात को तो कोई दवाई वगैरह कोई छिड़काव कोई नहीं आता? देखो मच्छरों का, देखो ये हाल, देख ये देखो मेरा क्या हाल हो रहा मच्छरों के मारते, ये देख ले भाई, देख ले ये मच्छरों का हाल है बेटा। कोई नहीं आते पानी से, कोई नहीं आ रहा बाबू। रात को सही से नींद सोने नहीं पाया, मच्छर ऐसे काट रहा। हाँ, हमने मच्छर तो बहुत काटते हैं जी। देखो मच्छर काफी है यहाँ पर, जो आती है गाड़ी पर वो गलियों में नहीं आती, वो बाहर राउंड लगाती है खाली बस। और वो जो फॉगिंग होती है धुआं छोड़ने वाली, वो हाँ हाँ वही धुआं छोड़ने वाली गाड़ी आती है। वो नाली में दवाई डली है कोई अभी तक? नहीं, नाली में कोई दवाई नहीं डली अभी तक यहाँ तो। आया अंदर, अंदर कोई भी नहीं आया, दवाई डालने वाला, धुआं देने वाला, दवाई डालने वाला कोई नहीं आया ये मोहल्ला में। अच्छा भैया एक चीज बताइए, जब इलाके में नया मकान बनाते हैं, लेंटर डालते हैं, तो अधिकारी आके परेशान करते हैं कि जी इतने रुपए लेंगे तब डलने देंगे? नहीं, अधिकारी तो आते हैं पर वो कहते हैं गंदगी मत करो यहाँ पर। नहीं, लेंटर के ऊपर नहीं, पैसे वगैरह तो कोई नहीं मांगता अधिकारी आकर के यहाँ पे। किसी अधिकारी ने आके नहीं बोला पैसे के लिए, या कोई पुलिस वाला आकर के, वो भी कोई भी तंग नहीं करता इस विषय में। मकान के लिए मलबा तुम क्यों डालते हो यहाँ, उसके लिए मांगते हैं। हाँ, लेकिन अपना साफ सफाई रखो, अपना मकान बना रहे हो आप, बनाइए मकान के लिए, बाकी वो किसी चीज के तंग नहीं करते इस विषय में। तो इस पार्क में गंदगी मची पड़ी है भैया, बहुत परेशान है हम। हैं सफाई कहते हैं जाने के लिए, और कहेंगे हम नहीं करवाते, अपना आप करो। कौन कहता? ये एमएलए जो है आप, हाँ रोहित मेहरौलिया, गेट के लिए बोलने गए थे, गेट अब तक नहीं लगवाया उन्होंने। नहीं, पार्क तो एमसीडी का सरोज सिंह से कंप्लेंट की थी आपने, जो निगम पार्षद स्थानीय, कोई सुनवाई हुई? नहीं हुई, वो सफाई नहीं करवाते यहाँ, गेट के लिए बोला, गेट भी नहीं लगवा, अपने पैसों से लगवा लो। अच्छा, अपने पैसों से लगवा लो ये कहा? हाँ ये कह रहे अपने पैसों से लगवा लो, हमारे पास पैसे नहीं है, सरोज सिंह ने। अच्छा जी, आप बताइए दीदी क्या यहाँ पे सारे लड़के हमारे गली के जो हैं, जितने सारे लड़कों ने मिलकर सफाई करी थी, और फिर से देख लो आप कैसे हो गए। सबने पैसे मिला के कूड़ा इकट्ठे किए, कूड़ा रेडी भर भर के वहाँ डाल के, बच्चे मेहनत किए, सबने इतने सफाई करी, बिंच लाला के यहाँ रखे, फिर से वही हो गया। गेट दो बार लगा, तीसरी बार गेट टूटा, अब तीसरी बार फिर लगाना पड़ेगा। तो ये स्थानीय लोगों का कहना है कि अपने आप खुद से सफाई करते हैं और खुद से ही तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद उन्हें नहीं मिलती है। मच्छर इस तरीके से यहाँ पर हैं, जैसा कि माता जी ने दिखाया अपने हाथों पे, कि मच्छर यहाँ पर शाम होते ही बैठने नहीं देते हैं। अभी तक एमसीडी की तरफ से कोई दवाई नहीं डाली गई है, कोई फॉगिंग नहीं कराई गई है, और ये पार्क की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिसके ऊपर स्थानीय निगम पार्षद सरोज सिंह ने कहा कि अपने पैसों से गेट लगवाएं, हमारी तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। सुबह सुबह उठ रहे हो, अपना दरवाजा आप सफाई कर रही हूँ भाई, हाँ और कौन आके कौन करता, कोई नहीं आता, नहीं है नाली वाले जाम रहते हैं, नाली वाला है ही नहीं है भाई, है ही नहीं, नहीं मैं है ही रहेंगी, नाली वाला कौन सा रहा, नया है नहीं है। पानी भर जाता नालियों का, पानी ऊपर तक आया था, लोगों को पानी नाली के अंदर धो के जाना पड़ता है पानी, तो ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा मच्छर के लिए कैसे? मच्छर तो बहुत ज्यादा, दिन में ही मच्छर काटते हैं। तो दवाई वगैरह कोई? वैसे एक दो बार गाड़ी आती है धुएं की, अंदर गलियों में तो वो भी नहीं, रोड रोड पर जाती है, सड़कों पर तो सुबह झाड़ू लगती है, सुबह लगती है, और संडे के दिन तो फिर सब छुट्टी पे होते हैं, संडे के दिन नहीं लगती है। नाली वगैरह जाम रहती है? नाली वगैरह तो बहुत गंदी रहती है, साफ ही नहीं होती, कभी हो गई तो हो गई, ना तो होती ही नहीं है कभी। गलियों में भी कभी नाली वाले कभी नहीं आते, कभी बीच कुछ में कर गए, जब ज़्यादा दबाव डालते हैं ना तब करते हैं, नहीं तो वैसे नहीं करते हैं। वोट लेने के लिए तो बड़े सहते, इतनी गंदगी दुनिया भर की, मच्छर गर्मी, इतनी बीमारी चल रही है, इतने मच्छर लगते रात को, मोर्टीन वगैरह सब कुछ लगा ले, नहीं जाते मच्छर, पूरे ये शौचालय बना के गंदगी फैला दी है इधर की साइड में, नालियों में, ये पीछे देखो ना आप चल के कितनी गंदगी है पीछे की साइड में, रात के टाइम में घर में रुका नहीं जाता, दिन में भी इतने मच्छर लगते हैं पीछे की साइड से, रास्ता तो उधर की साइड से, मगर हमारा तो पीछे फ्रंट है ना, तो सारी गंदगी इधर ही है, पूरा मच्छर भी रूम के अंदर आता है, इतना दिन में मच्छर लगते हैं इतने के, रात को तो चले चले दिन में भी खूब मच्छर लगते हैं, तो गंदगी तो बीमारी तो वैसी बनेगी अपने आप से ही। तो लोकपुरी की गलियां जो स्लम एरिया है, और वहां पर हम हैं जहां पे साफ सफाई जो है लोगों का ये कहना है कि वो खुद करते हैं, प्रशासन की तरफ से कोई साफ सफाई नहीं होती है, और ये देखिए पतली पतली गलियां हैं और लोग यहाँ
रह रहे हैं और जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। भैया ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। विकास भाई, साफ सफाई इलाके में जहाँ नहीं प्रॉपर नहीं होती, एक एक महीने में एक बार आते कर्मचारी बस, और बल्कि मैं खुद हर वीक में एक से दो बार मैं खुद कंप्लेंट करने भी जाता हूँ। बहुत, अभी भी मैंने अपनी बाइक से कपड़ा रिमूव किया है तो काफ़ी उसके नीचे मच्छर थे। हाँ आते हैं ऑब्वियसली। तो प्रशासन की तरफ से कोई फॉगिंग वगैरह कोई दवाई नहीं? कोई भी नहीं अभी तक तो, फिलहाल तो कोई भी नहीं। तो ये मयूर विहार फेस वन के अंदर अभी वार्ड आ गया है, इलाका आ गया है मयूर विहार फेस वन के अंदर, और तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, लेकिन असली धरातल पे क्या सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इलाके के लोग किस तरह परेशान हैं वो खुद बता रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।